तो जब टीडीएम के अंदर कैरेक्टर सोलो चलता है तो कुछ ऐसा होता है। इज इन द लीड। तो गाइस अगर आपका भी टीडीएम के अंदर बंदा स्लो चलने लग जाता है अचानक से, और भाई बंदा हमको कमार के चले जाता है हमको पता ही नहीं लगता, या फिर जब भी आप रूम लगाते हो भाई रूम के अंदर हमारी मूवमेंट स्लो हो जाती है और स्लो वॉकिंग करना स्टार्ट लगता है बंदा, तो भाई ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आपको 5 सेटिंग अनेबल करनी है, उसके बाद कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। सो कुछ अगर आपको भी भाई ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, आपका बंदा अचानक से यानी कि कैरेक्टर अचानक से टीडीएम के अंदर या फिर रूम के अंदर अचानक से स्लो चलने लगता है या फिर स्लो मूवमेंट करने लगता है, तो और भाई बंदा हमको कम मार के चले जाता है हमको पता ही नहीं लगता, इसके कारण भाई हमारी हमको ऐसा लगता है कि भाई अगर आप रूम खेलते हो भाई पक्का हारते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और भाई सामने वाला बंदा हमको इजीली मार के चले जाता है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 सेटिंग ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको एनेबल करनी होगी, और जो कुछ गलती कर दी है जिनकी वजह से ये वाला ग्लिच उनके साथ होता है, और भी ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे मोबाइल में नहीं होता बट मेरे आईपैड में भी होता है, ठीक है। तो भाई मोबाइल में मैंने फिक्स कर दिया, अगर आपको भी ये फिक्स करना है तो आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से देखना होगा। एंड भाई देखो 5 सेटिंग जो बताने वाला हूँ आपको एनेबल करनी होगी, और भी एनेबल करने के बाद आपका कैरेक्टर कभी भी स्लो नहीं चलेगा, आपकी मूवमेंट कभी भी ग्लिच नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। एंड भाई जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन कॉल पे कर देना, उससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाएगी, तो यार सब्सक्राइब कर लेना। एंड जब बात करते हैं अपनी पहली सेटिंग के बारे में, देखो वो जो सबको करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपना BGMI ओपन कर लेना है, BGMI या फिर PUBG मोबाइल ओपन कर लेना है, आपको एक बार लॉन्ग आउट कर देना है, ठीक है, आपको लॉन्ग आउट कर देना है अपना ID। लॉन्ग आउट करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो हेल्प का आएगा, एक लैंग्वेज और रिपेयर, आपको रिपेयर पे आना है। एंड गाइस आपको रूटीन रिपेयर और यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है, ये दो सेटिंग एनेबल करनी है, और उसके नीचे आपको अरेना वायरस, ठीक है, आपको अरेना वायरस भी टिक मार देना है, यानी कि ये इसको पूरे ध्यान से करना होगा, आपको अरेना वेयरहाउस सिलेक्ट ही करना होगा, चाहे आप लोग दो ऊपर वाली चीज़ें नहीं करो बट अरेना वाला आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और आपको ओके कर देना है, ठीक है। एंड गाइस जब बात करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में, आपको क्या काम करना है, फिर से दोबारा BGMI के अंदर आना है। एंड BGMI के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज बटन पे आना है, ठीक है, आपको कस्टमाइज बटन पे आना है। एंड कस्टमाइज बटन पे आने के बाद आपको कस्टमाइज यहाँ पे आपको जो लेआउट है कस्टमाइज पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड काफ़ी बंद ये गलती करते हैं, उसकी वजह से ग्लिच होता है, जो आपका स्प्रिंट बटन होता है ना गाइस वो आप लोग यहाँ पे छोटा रखते हो, ठीक है, ये जो स्प्रिंट बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिससे हम यहाँ पे चलते हैं जो स्टिक से ऊपर होता है, कोई बंदा इतनी रखता है कोई बंदा रखता है, भाई इसको पूरा रखो आप लोग, ठीक है, इसकी वजह से ही आपकी ग्लिच होती है, जो आपका जो कैरेक्टर स्लो चलता लगता है ना वो इसी की वजह से होता है। ये आप लोग पूरा जितने भी आपके हो सके पूरा कर लेना, ठीक है, इसको ओके कर देना यानी कि सेव कर देना। एंड का जब बात करते हैं अपनी तीसरी सेटिंग के बारे में, तीसरी सेटिंग के बारे में आपको सेटिंग में जाना है। एंड आपको यहाँ पे कंट्रोल पे आना है, ठीक है, कंट्रोल पे आने के बाद जो बेसिक कंट्रोल है इसमें एक सेटिंग बताऊंगा और एडवांस में बताने वाला हूं। जो बेसिक कंट्रोल है गाइस आपको यहां पर फोकल लेंथ एडजस्टमेंट आपको टैप कर देना है, ठीक है, जो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट है ना वो आपको टैप कर देना है, आपका होल्ड होगा आपको टैप करना है। एंड गाइस दोबारा से आपको यहाँ पे एडवांस कंट्रोल पे आना है। एडवांस कंट्रोल पे आने के बाद जो आपको सेटिंग बताता हूँ, काफ़ी बंदे ये गलती करते हैं, वो आपको चेंज करनी है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी होती है ना गाइस, जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी होती है काफ़ी बंदे इसको कम रख के रखते हैं और काफ़ी बंदे इसको भाई ज़्यादा भी रख के रखते हैं, ठीक है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कितना रखना है। देखो आपको ना तो कम रखनी है और ना 100 रखनी है, ठीक है, आपको उसको पूरा 50 रखना है, ठीक है, आपको 50 रखना होगा, ये ग्लिच नहीं होगा क्योंकि कभी कभार इसकी वजह से भी भाई हमारे रूम के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्वाइप, ठीक है, इसको आपको एनेबल कर देना है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल स्वाइप है इसको डिसेबल होगा आपका, आपको डिसेबल से हटा करके एनेबल कर देना है, ठीक। तो जब बात करते हैं अपनी फोर्थ सेटिंग के बारे में, जो कि आपको एक TDM लगा लेना होगा सबसे पहले। एंड TDM में लगाने के बाद आपके सामने ऊपर एक ऑप्शन आएगा जो फीडबैक या फिर रिपोर्ट का आएगा, आपको फीडबैक वाले ऑप्शन पर टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले ODD कैरेक्टर मूवमेंट, आपको ODD कैरेक्टर मूवमेंट सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखने का जो कैरेक्टर यहाँ पर 200 कैरेक्टर लिखने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको लिखना है कैरेक्टर मूवमेंट ग्लिच, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर स्लो मूवमेंट
ग्लिच लिखने ना होगा आपको, स्पेलिंग पूरे ध्यान से देखना वरना अच्छे से रिव्यू भी नहीं करते वो और उनकी अच्छे से समझ में भी नहीं आता, ठीक है। कैरेक्टर स्लो मूवमेंट ग्लिच लिखना है और आपका फिर से अदर्स पे हो जाएगा, आपको फिर से ODD कैरेक्टर मूवमेंट पे कर देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद अदर्स पे आ जाएगा, आपको ODD कैरेक्टर मूवमेंट लिख लेना है एंड गाइस आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो गाइस जो मैंने 4 सेटिंग बताई हैं आप लोग इसको जरूर ट्राई करना, और भी मैं यकीन मानिए गारंटी देता हूँ आपकी कभी भी कैरेक्टर की मूवमेंट स्लो नहीं होगी, ठीक है। और भी देखो जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना और सबके पास शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल। और यार